दोपहर के 1 बज रहे हैं, वक्त हो गया है आधा दिन पूरी खबर का। आपके साथ मैं हूं मलिका। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। आपको बता दें कि रिमांड पर बहस जारी है अतीक की, और इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि बहाना बीमारी का बनाया गया है कोर्टरूम में, और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। अतीक के रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सीजीएम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, हालांकि अतीक के वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि केवल 3 दिन की रिमांड दी जाए, जबकि पुलिस की तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी गई है, और अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, फैसला सामने आ जाएगा। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि यूपीएसटीएफ ने इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया है, ब्रेक किया। असद और बकायदा गुलाम, इन दोनों को जो है मार गिराया गया। और आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, असद और जो गुलाम है, इन दोनों को मार दिया गया है। यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, और इनके पास से फॉरेन वेपन्स मिले हैं। सबसे पहले हम खबर इस ब्रेक को कर रहे हैं, और आपको बता दें कि इन दोनों को लगातार जो है तलाश किया जा रहा था, 5 लाख के इनामी थे, और अब यूपीएसटीएफ के हाथ में बड़ी सफलता लगी है। असद और गुलाम को मार दिया गया है। जहां एक तरफ अतीक और अशरफ इस वक्त कोर्ट रूम में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असद जो है उसको मार दिया गया है। अतीक अहमद का बेटा असद, जो उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी था, 5 लाख का इनामी था, उसको मार दिया गया है। इसके साथ साथ गुलाम, जो इस पूरे मामले में जो है शूटर था, जिसका नाम सामने आया था, जिसका फुटेज सामने आया था, उसको भी मार दिया गया है। झांसी में इन दोनों को मारा गया है। डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल ने झांसी में इसको जो है मारा है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर। जी मीडिया इस खबर को ब्रेक किया है, और आपको बता दें कि असद के बेटे असद को और गुलाम को, दोनों को जो है झांसी में मार गिराया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि यूपीएसटीएफ के हाथ में बड़ी कामयाबी। जी न्यूज़।